नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज एक बड़ी खुशखबरी आई है वंदे मेट्रो को लेकर के। आप लोगों को जैसे कि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि जुलाई और जून के महीने में इसके ट्रायल्स होने हैं, और आखिरकार रेलवे की ये बात बिल्कुल सही निकली है, उन्होंने इसके ट्रायल्स की तैयारी पूरी कर ली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ICF की वंदे मेट्रो निकल चुकी है, और इस वंदे मेट्रो को ललितपुर टीकमगढ़ सेक्शन में देखा गया था, और ये ट्रेन जो है इसी के ट्रायल सबसे पहले होने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने ही ये वंदे मेट्रो ट्रेन, इसको कई जगह पर कई रेल फैंस ने कैप्चर भी किया है, और ये देखिए आप कितनी खूबसूरत अब ये लग रही है वंदे मेट्रो। अभी इसके बहुत ही ज़्यादा इनिशियल ट्रायल्स होने वाले हैं, जो कि मतलब एक ट्रेन बिल्कुल ही नई नई आती है ना, तो उसके कई तरह के ट्रायल्स RDSO लखनऊ लेता है, और इस बार पता लगा है कि झांसी डिवीजन में इसके 120 KMPH पर ट्रायल होंगे, उसके बाद फिर कोटा डिवीजन में इसके 145 पर इसके ट्रायल होंगे, लेकिन इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 ही रहने वाली है जब इसके कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होंगे। तो कुछ अहम ट्रायल्स मैं आपको बता देता हूं क्या होंगे। ऑक्सीलेशन ट्रायल्स होंगे, उसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्रायल होंगे कि ट्रेन सही डिस्टेंस पर रुक पा रही कि नहीं रुक पा रही, इसकी ब्रेकिंग एबिलिटी को देखा जाएगा। कपलर फोर्स के ट्रायल्स भी होंगे कि कपलर कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें जॉइंटेड हैं। फिर हाई कैंट डेफिशिएंसी ट्रायल्स होंगे, ट्रायल्स विद इंस्ट्रूमेंटेड व्हील सेट भी होगा, और ये ट्रायल्स जो लिए जा रहे हैं झांसी डिवीजन और कोटा डिवीजन में लिए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और इन सभी ट्रायल्स के लिए यहाँ पर RDSO की टीम ने पूरी तैयारी कर ली है, आप लोगों के सामने ये टीम है, और रुपेश कोहली जी के द्वारा ये फोटोज़ खींची गई हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये सेंसर्स लगाने की काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये सेंसर्स होंगे ये पूरी ट्रेन की एक एक चीज़ पर नज़र बनाए रखेंगे, और जो डाटा आएगा उससे एनालिसिस करके पता लग पाएगा कि ये ट्रेन कितना अच्छे तरीके से हर मापदंड पर खड़ी उतर रही है कि नहीं उतर रही। RDSO के किस तरीके की ट्रेन यहाँ पर ICF ने बना कर तैयार करी है, जिस तरीके के उनको स्पेसिफिकेशन दिए थे, क्या वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि वंदे भारत ट्रेन जब पहली बार आई थी उसके साथ भी हुई थी, और इसके कई कई जगहों पर ट्रायल्स लिए गए थे, मेनली कोटा नागदा सेक्शन में इसके हाई स्पीड के ट्रायल लिए गए थे। तो ऐसे ही इसके भी हाई स्पीड के ट्रायल 145 KMPH पर कोटा डिवीजन में ही लिए जा रहे हैं, जहाँ पर कोटा नागदा सेक्शन में ही हो सकता है इसके ट्रायल लिए जाएँ। जैसे ही इस विषय में और जानकारी मिलती रहेगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।